मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो बिंदास रेखा के ब्लॉग में आपका स्वागत है। सुबह सुबह भी हम चाय बना रहे, ऐसे सुबह से नाश्ता वगैरह भी कर लिए हैं। मुझे लग रहा है मैं पहले से थोड़ा मोटी हो गई हूँ ना, मेरा पेट भी निकल गया है, पता नहीं क्यों मोटी हो रही हूँ। पैसे ही खाते रहते हैं, अगर मैं सोए रहते तो क्या हो सकता है, मोटी ही होंगी। और आज देख रहे हैं कि क्या बनाते हैं। पहले तो सुबह से चाय पी लिए, तो दोबारा चाय पीते हैं। आज बनाए हैं, बनाए देंगे, देखिए आलू गोभी का भुजिया बनाई हूँ मैं। आलू गोभी गाजर बीन्स उसका भुजिया बनाई थी और पराठा बनाई थी मैंने। ये पराठा नहीं, रोटी बनाई थी। और ये मेरा ब्रेड भी लिखे थे, इतना बड़ा ज्यादा पड़ा हुआ है, अभी दूध भी पड़ा हुआ है। तो देखते हैं फिलहाल क्या क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो देखेंगे, कुछ बना लेती हूँ इसका। अभी ये अच्छा है, ताजा है ब्रेड, तो इसी का कुछ बनाती हूँ। अभी रेसिपी वगैरह देखते हैं, थोड़ा सब्जी भी बनाऊंगी। दही का भी कुछ बनाने का मन कर रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा। कुछ दिन देखिए बड़ी इलायची लौंग वगैरह खरीद कर लाए थे हम, खरीद कर ही लाएंगे, फ्री में तो कोई देगा नहीं ना हम लोग को। ये मेरा चाय भी बन गया है, आपको तो पता है सुबह सुबह सिर्फ चाय पीते और एक शाम में हम चाय पीते। बस अभी थोड़ा सा चाय पत्ती इसमें डाल देती हूँ, तो इसमें चाय का भी टेस्ट आता है और हॉर्लिक्स का भी टेस्ट आता है। बस अभी हम हॉर्लिक्स ही पियेंगे। ये मेरा रोज का ऐसा काम है, मखाना भी रखा हुआ है, वो भी मुझे ही खाना है। देखिए देखिए गाजर आलू ये सब कद्दू कस कर लिए हैं, प्याज है इसे भी काट लेंगे अच्छे से। एक ही प्याज है, काला हो गया पूरा प्याज मेरा। आज सोच रहे थोड़ा सा पटल भी है, सबका भुजिया बनाते हैं। आलू गोभी का भी भुजिया बचा हुआ है और चावल दाल बना देते हैं, भुजिया बनाते हैं और ज्यादा कुछ नहीं है। आज कचरा वाला भी अभी तक हम लोग का नहीं आया। फिर से नहीं, हम लोग के घर में ना जैसे ही बारिश होना शुरू हुआ है ना, लाल वाला चींटी पूरा आना शुरू कर दिया पूरा एकदम। सुबह सुबह एक रात का रोटी बचा हुआ था, उसमें तो गजब लगा हुआ था, पता है आपको। और आप लोग हमारी वीडियो को जरूर देखा कीजिए, क्योंकि आप लोग के प्यार सपोर्ट का मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये देखिए इधर कचरा का गाड़ी आ गया है, तो कितने सब है से अपना अपना कचरा लेके बाहर चले आए हैं। और आज ये देखिए फर्श वगैरह साफ कर दिए थे। तो इतना सारा जन पकौड़ा बनाएंगे, देखिए जितना ही सोचते हो ना कि ऑयली ऑयली खाना नहीं खाएंगे, उतना ही ऑयली ऑयली खाना बना। अभी वाला पानी है ना, नल का इतना गर्म नहीं हुआ है। सो गई थी तो मेरा पूरा कपड़ा गीला हो गया, फिर उसे बाथरूम में डाल के सूख खंगार के लाई। आज ही पूरा फर्श अच्छा से धोई थी मैं।
तो ये देखिए सांबला पूजा हम खुद कर दिए हैं, क्योंकि 2-3 दिन से पूजा नहीं कर पा रहे थे, चल जा रहे थे घूमने के लिए, तो आज से वॉकिंग थोड़ा लेट से जाएंगे और यही वाला दुकान के जाएंगे, जा रहे थे बालू ठीक करेंगे। तो हम लोग के सही में कॉलोनी में पूरा बाढ़ आया हुआ है ना, इसी में सब मस्ती भी कर रहे हैं, पूरा रोड भरा हुआ है। तू और ठीक है? अबे यार बिट्टू को बेचने दे, पूरा इसी में देखे सब ये जी, लेकिन बहुत दूर तक है नल पानी गया हुआ, बहुत दूर तक मस्ती इसी में कर रहे हैं। ओ यहाँ तक है पानी, देखिए ये वाला सब पानी है ना, तो अभी सामने मैं वॉकिंग के लिए गई थी पूजा पाठ कर कर, तो अभी दूध लाए हैं, टमाटर कैसे दिया है जी, दूध लाए हैं 40 रुपए, 40 रुपए टमाटर पर कितना लिए हैं, और ये देखिए धनिया, धनिया पत्ता कैसे दे रहा, दिया तो बहुत फ्रेश है, चटनी पटल उटल नहीं लाइएगा, क्योंकि अभी जानते हो उस दिन पटल लाए ना सो बहुत बू आ गया, पता पटल इतना खराब है, एक तो इतना उतना ही यहाँ महंगा दे रहा है सब्जी ना। अच्छा तो देख लीजिए यही सब हम लोग लाए हैं खरीद के, और नीचे में काफी देर हम लोग बात करते रह जा रहे हैं, ऐसी तरह टाइम पास हो जाता है। और आज पता है आपको दिखाया ना कि कितना हम लोग के कॉलोनी में पानी भर गया, और बच्चे तो इतने मस्ती कर रहे हैं, इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि हम लोग के बेंगलोर में कितना अच्छा अभी मौसम है यहाँ का। देख रहे हैं मेरा बाल का क्या हाल, सुनते हैं कि यहाँ बेंगलोर में सबका बाल अच्छा हो जाता और मेरा बाल का क्या हाल हो गया है। तो रियल में यहाँ का मौसम बहुत अच्छा, आज तो मेरे कपड़े में धोई के सुखाई थी ना, वो कपड़ा मैं सोई रह गई वो भी गीला हो गया, फिर अब धो दिए हैं, फिर सामने वाइपर मारी हूँ, और अब देखते हैं कि क्या क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कुछ भी नहीं। तो आप लोग अपना प्यार सपोर्ट जरूर दीजिएगा, आजकल हमको लग रहा है ना कि आप लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं वीडियो वगैरह थोड़ा कब थोड़ा तो मेरे ऊपर थोड़ा दया हुआ भी करिए ना, कि कम से कम मेरा वीडियो को वॉच करिए। तो मिलते हैं आपसे हम एक नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। और आप लोग के यहाँ कैसा मौसम है, मुझे तो लग रहा है कि गर्मी है, क्योंकि मेरी बेटी बोल रही थी कि झारखंड में बहुत मम्मी गर्मी अभी लग रहा है, वहाँ शायद बारिश नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ मौसम अच्छा है। मैं बोल रही हूँ उन लोगों को आने के लिए कि यहाँ आते तो मैं यहाँ घुमा उमा भी देती, अब ज़्यादा मैं आप लोग से दिमाग नहीं खाऊंगी। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, ओके बाय।